दोस्तों, अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां अपने चैनल पर मैंने की थी, उसमें से 80-90% जितनी भी भविष्यवाणियां थी, सब कुछ सच होती हुई नजर आ रही हैं। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो सारी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा कि जितनी भी बातें मैंने कही है, वो सारी सच हुई हैं और उसी टाइम ड्यूरेशन के अनुसार सच हुई हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक वीडियो मैंने बनाई थी दूसरे चैनल पर भी प्रॉपर बकायदा, उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियां की, जिसमें मैंने एक कहा था कि मई 2022 के बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है, और ऐसा ही हो रहा है। कभी भी महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है। और इस वक्त एक वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, कंगना रनौत का। कंगना रनौत का जब घर तोड़ा गया था बीएमसी के द्वारा इलीगल बताकर, 40 करोड़ की वो प्रॉपर्टी थी, बिना किसी नोटिस के, नोटिस मतलब 1 घंटे में चिपकाया गया उनके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, और उसे तोड़ दिया गया। तब कंगना रनौत ने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे, आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, और रावण का घमंड जब नहीं रहा तो तुम क्या हो। आज मुझे पता चल रहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा, जो कि महाराष्ट्र में मेरे साथ हो रहा है। तो कंगना रनौत ने जितनी बातें कही थी उस वक्त, उन बातों को इस वक्त शेयर किया जा रहा है लगभग हर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, पेजेस के द्वारा, यूट्यूब चैनल्स पर, मीडिया पर। लोग यही बोल रहे हैं कि कंगना रनौत, एक औरत का जो श्राप है वो सच हो गया। कल रात, रातों रात, उद्धव ठाकरे को अपना सरकारी बंगला, मतलब सीएम आवास, छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो गया है कि उनके विधायक उनके पास अब नहीं है। एकनाथ शिंदे, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व का साथ दिया, और महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से हिंदुत्व को लेकर जो हमले किए जा रहे थे, जिस पर महाराष्ट्र सरकार खामोश थी, बहुत सारे ऐसे मामले, चाहे पालघर का मामला हो, चाहे धारा 370 के विरोध में भी महाराष्ट्र सीएम की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, शाहीन बाग के मॉडल का विरोध जब किया जा रहा था तब उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, वीर सावरकर का अपमान होता रहा उस पर भी कुछ नहीं कहा गया। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर लगे थे, और सबसे जो बड़ा मामला था वो था सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला। सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार की बहुत जमकर किरकिरी हुई थी, और इसके बाद आपने देखा मनसुख हिरेन का मामला, फिर अंबानी के घर के बाहर से जो चीजें निकली थी, जिलेटिन की छड़े वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे मामले, मतलब 2 साल में हो गए जो महाराष्ट्र की तिकड़ी सरकार थी इसके लिए सिरदर्द बन गई, और धीरे धीरे करते करते जो इसमें हिंदुत्ववादी लोग जुड़े हुए थे, एकनाथ शिंदे का यही कहना है कि हम बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग थे, हमेशा हिंदुत्व को फॉलो करने वाले, लेकिन वो पिछले 2 सालों में पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा था और ये हमसे देखा नहीं गया। तो महाराष्ट्र में सरकार कभी भी गिर सकती है और बीजेपी की सरकार बन सकती है, और लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने में अभी भी काफी समय बाकी है। सुशांत वाला मामला एक बार फिर उछलेगा, कब उछलेगा, जब महाराष्ट्र विधानसभा का अगला चुनाव आएगा, तब उस मामले को निकाला जाएगा, क्योंकि सुशांत वाले मामले को अभी भी समय है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो देखते हैं कि कब क्या कौन सी चीजें होती है, महाराष्ट्र में सरकार कब गिरती है, क्या होता है आगे, किन पार्टियों के साथ, क्या एनसीपी भी बीजेपी के साथ आएगी या बाहर से ही झुंझुना हिलाएगी या क्या करेगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति जो है इस वक्त, पूरा जो राजनीतिकरण है, ये बहुत गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।